हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास। आई एम टीचिंग यू थर्ड लेसन मोमेंट में से ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इसमें जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस प्रकार से जो है ईश्वरन अपने मास्टर महेंद्र का एक मनोरंजन करता है और कहानियाँ सुनाता है अलग अलग प्रकार की, और उसका तरीका भी बहुत जो है प्रभावशाली होता था, एक नाटकीय होता था जो है स्टोरी सुनाने का। तो हम जो है इस सेकंड पार्ट में फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ईश्वर सीम टू मोर देन द मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रास लिव। महेंद्र जहाँ रहता था वहाँ पर वो जो है टीवी का काम करता था। ये महेंद्र इस बात को मानता है कि वो जो इस प्रकार से कहानी सुनाता था, उसे स्टोरी सुनाता था और या किसी घटना को सुनाता था कि उसे टीवी की कभी कमी नहीं होती थी। उसने एक बार जो है किस प्रकार की टस्क की कहानी सुनाई, यानी कि जो है एक हाथी की कहानी सुनाई, जो उसने स्कूल में घुस गया था और उसको उसने छड़ी मारी और वो गिर गया। एक बार जो उसने पेड़ के बारे में कहानी सुनाई कि रात्रि में, रात्रि का समय था, कोई नहीं था, और वो जब जा रहा था तो उसे एकदम जो है बहुत बड़ा जानवर सा महसूस हुआ, और वो पास में गया तो एक सूखा हुआ पेड़ जो है रोड के जो है आर पार पड़ा हुआ था। इस प्रकार से उसने एक कहानी, इस तरह की कहानियाँ सुनाई, और इस जो है इन बातों से यानी डेली वो इस तरह की कहानियाँ सुनाता था और उसका मनोरंजन करता था। इसलिए वो जो है कहता है कि उसे जो है टीवी की कमी वो जो है पूरी कर देता था। नेक्स्ट है महेंद्र कॉल गोस्ट एंड स्प्रिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। जो है एक दिन एक भूत महिला की बात करता है कि एक औरत भूत जो थी वो इस तरह से जो है वो उसकी घटना को बोलता है। तो वो कहता है कि जो भूत और प्रेत में वो विश्वास नहीं करता, ये सब जो है फालतू बात है, ये कोई नहीं होते, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो इस तरह से जो है इनको एक कल्पना मात्र समझता है, कपोल कल्पित कह सकते हो, यानी कि जो पिगमेंट ऑफ जो है इमेजिनेशन बोल सकते हो। तो ये जो है उसने इस तरह की बात कही, परंतु वो जब उसको इस तरह की बात सुनाई गई भूत की जैसी, तो अनकॉन्शियसली कोई उसके अंदर इस तरह की भूत जैसी बात जो है उसके दिमाग में घुस गई थी, या कह सकते हैं कि इस तरह के जो डर है उसके दिमाग में भूतों के प्रति आ गया था। हम जो है नेक्स्ट इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एवरी नाइट, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रास लिविंग। एवरी नाइट आफ्टर डिनर ईश्वरन यूज्ड टू नरेट अ इंटरेस्टिंग इवेंट और ए स्टोरी टू महेंद्र। यानी हर रात्रि को ईश्वरन जो है वो कहानी या घटना सुनाया करता था महेंद्र को। ही टोल्ड स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे, क्रिएटिंग क्यूरियस एंड सस्पेंस इन द लिसनर। और वह लिसनर के अंदर, सुनने वाले के अंदर जो इस तरह से सुनाता था कि जिज्ञासा पैदा करता था और सस्पेंस जो है पैदा कर देता था उस कहानी में, वो उसमें लिख जो है सुनने वाले के दिमाग में जो है सस्पेंस और जो है क्यूरियस जिज्ञासा उत्पन्न कर देता था। इन फैक्ट महेंद्र हैड ए लिविंग टीवी इन द फॉर्म ऑफ ईश्वर। वास्तव में जो है ईश्वर के रूप में एक जीती जागती टीवी महेंद्र के लिए जो है थी ईश्वरन। दैट्स वाई The author says that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarter.
इसलिए मैं वो कहता है कि महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में वह एक जीता जागता यानी कि जो है टीवी की कमी को पूरा कर देता था। नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्रास कॉल बोथ गोस्ट एंड स्पिरिट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कि जो है कपोल कल्पित गोस्ट और इस पे जो है इसको भूत और स्पिरिट आत्माओं की बात को महेंद्र जो है कपोल कल्पित समझता था, यानी कहने का मीन्स फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन समझता था। व्हेन ईश्वरन टेल महेंद्र अबाउट ए गोस्ट ऑफ ए वेमन, जब जो है उसने एक भूत महिला के बारे में महेंद्र को बताया ईश्वरन ने, महेंद्र कॉल हिम अ क्रेजी एंड सेज दैट ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। महेंद्र ने उसे जो है क्रेजी बोला, पागल बोला और उससे कहा कि वो बकवास करता है। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट, और गोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, दोज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स, और ये सब जो है इमेजिनरी एक काल्पनिक बातें होती हैं। बट फ्रॉम दैट डे फियर क्रेप्ट अनकॉन्शियसली इन हिज माइंड, परंतु उस दिन से डर उसके जो है अनकॉन्शियसली जो है कह सकते हैं अचेतन रूप में उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। नेक्स्ट है वन फुल मून नाइट ही हार्ड अ लो ग्रोन क्लोज टू हिज विंडो, एक फुल मून नाइट पूर्णिमा का दिन था और उसकी यानी महेंद्र की खिड़की के बिल्कुल पास से उसने विंडो पर ग्रोन सुनी यानी मौन सुनी कह सकते हैं कि कहराने की आवाज़ रोने की आवाज़ सुनी। आउट ऑफ क्यूरियसिटी ही लुकड आउट, और उसने जिज्ञासा पूर्ण रूप से जिज्ञासा से भर करके उसने खिड़की से बाहर देखा। ही गॉट शॉक्ड टू सी द गोस्ट ऑफ ए वुमेन अ लिटिल अवे फ्रॉम हिज विंडो, और फिर उसने देखा एक महिला का गोस्ट और वो भी जो है उसकी खिड़की से कुछ ही दूरी पर। ही ब्रोक इन टू कोल्ड स्वीट एंड फेल ऑन हिज बेड, और इसलिए वो डर गया और उसने जो है वो बेड पर सो गया और उसको जो है ठंडा पसीना आ गया। इस तरह से जो है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर एक डर की भावना उत्पन्न कर देता है इस तरह की बातें करके, और फिर उसी तरह की जो है एक कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमें जो लगता है कि जो उसने बताया था उसी प्रकार से हो रहा है, तो और हम जो है डर जाते हैं और उसको उसका सामना नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो है इस लेसन में बहुत सी कहानियों के द्वारा हमें इस तरह की बातों को स्पष्ट किया गया है। आपके क्वेश्चंस इस दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं और ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।